ठीक है रूट सर्वर मैंने कल बनाया था, दूसरी को आगे कॉन्टिन्यू कर रहा हूँ, चाहे डोमेन कंट्रोलर बना रहा हूँ। चाहे डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए सबसे पहले मैं रन बॉक्स पे जा रहा हूँ और नेटवर्क कनेक्शन पे जाता हूँ, MCPA.CPL, इसके लोकल एरिया कनेक्शन की प्रॉपर्टीज पे जा रहा हूँ, TCP/IP version 4 प्रॉपर्टीज। सर्वर का IP एड्रेस डाला मैंने 10.0.0.202 और 202 की जगह मैं 201 कर रहा हूँ, और पेपर DNS सर्वर में IP एड्रेस डाला है मैंने 10.0.0.200 मेरे रूट सर्वर का IP एड्रेस, ठीक है, ओके दिया, क्लोज। देन आफ्टर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में DC प्रोमो चलाते हैं, यहाँ पर चलाना है DC प्रोमो और एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन विजर्ड ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट सेलेक्ट करना है, क्रिएट न्यू डोमेन इन एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है फॉर दिस चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, ठीक है, यानी एक डिपार्टमेंट का सर्वर बनाने के लिए हमें चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाना पड़ता है, और मैंने डोमेन बनाया हुआ है google.com, यहाँ पे google.com सेलेक्ट करना है, ऑल्टरनेट क्रीडेंशियल सेलेक्ट करना है google/sub एडमिनिस्ट्रेटर डालना है और पासवर्ड लिखने जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड होगा। पेरेंट डोमेन नेम google.com सेम वही आएगा, चाइल्ड डोमेन नेम जैसे मैंने लेट से IT डिपार्टमेंट का बना रहा हूँ, तो यहाँ पर FUDN ऑफ द न्यू चाइल्ड डोमेन इज IT.google.com, ठीक है, यहाँ पर IT डिपार्टमेंट का मैं चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बना रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं, अब ये डोमेन फंक्शनल लेवल हमें सर्वर 2003 रखना है, बिकॉज मैंने रूट सर्वर में 2003 फंक्शनल लेवल रखा था। डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम यानी अभी फर्स्ट साइट ही जनरेट हो रही है जिसके अंदर ये सारे सर्वर बन रहे हैं। चाइल्ड डोमेन में अगर आप ग्लोबल कैटलॉग बनाना चाहते हो तो इट्स एन ऑप्शनल, ठीक है, ये ताकि आप सारी सर्चिंग ऑर्डर चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर से भी कर सको फॉर द क्विक एंड फास्ट सर्चिंग, ठीक है, ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट। NCDS में आपका डेटाबेस स्टोर होता है एक्टिव डायरेक्टरी का, और सिस कॉल में ग्रुप पॉलिसीज एंड स्क्रिप्टिंग जैसे आपको रूट सर्वर ने बताया था वही सेम पार्ट। पासवर्ड देते हैं यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी रीस्टोर और पासवर्ड जो एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप एंड रीस्टोर में काम आता है। एक्सपोर्ट सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं सी ड्राइव के अंदर, यहाँ पे फाइल नेम देते हैं चाइल्ड डोमेन सर्वर इंस्टॉलेशन, मैं यहाँ पे कर देता हूँ CDC सर्वर इंस्टॉलेशन, सेव कर देते हैं इसकी फाइल, ओके। नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा और रिबूट हो जाएगा कंप्लीशन टाइम पे। आफ्टर द रीस्टार्टिंग ऑफ सर्वर आपको वापस IP एड्रेस सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी और DNS भी चेक करना पड़ेगा कि DNS प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा।
Mexicana. देखो बी साइड होने के बाद यहाँ पे कंट्रोल और इंसर्ट प्रेस कर रहा हूँ, आईपी लिखा हुआ है, इस साइड डोमेन कंट्रोलर बन चुका है, तो लॉग इन करते हैं। आफ्टर लॉग इन द सर्वर आपको आईपी एड्रेस पहले चेक करना है, क्योंकि ये लूप बैक में कन्वर्ट हो जाता है। रन बॉक्स पे जाना है, ncpa.cpl लिखना है, नेटवर्क कनेक्शन पे जाना है, प्रॉपर्टीज TCP IP version 4 प्रॉपर्टीज, ये लूप बैक पे कन्वर्ट हो गया, तो इसको वापस करना है 10.0.0.200 जो आपके सर्वर का रूट सर्वर का आईपी एड्रेस है उसमें वापस डालना है। के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको DNS सर्वर चेक करना है, स्टार्ट एडमिन टूल्स DNS पे जाना है, एक्सपेंड करना है सर्वर नेम, फॉरवर्ड लुकअप जोन ic.google.com ऑटो क्रिएट हो गया, रिवर्स लुकअप जोन आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा, ये भी आपको रखना है प्राइमरी जोन पे और इसको सेव करना है, नेटवर्क आईडी रखनी है जैसे 10.0.0 मेरी नेटवर्क आईडी पोर्शन है। और ऑटोमेटिकली ये रेप्लिकेट करेगा पहले रूट सर्वर से, ऑटोमेटिकली ये आएगा। After that, आपको चेक करना है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर, ic.google.com आ गए यहाँ पर, ये आपका चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉलेशन था।